अच्छा पेट भी बड़ा खतरनाक, कितना भी खा लो शाम को फिर कहेगा ले आओ कुछ थोड़ा, तो ले आओ अब बहुत देर हो गई। अच्छा कोई शाम को भोजन कराओ खूब खवाओ, हाँ भाई दो पूरी और लो, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला लो, लो लो लो। किस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है इस तरह? यहाँ पे हाइपरटेंशन की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बीपी बढ़ रहा है। मतलब आप उनको अपना गुरु मानते हैं? मेरे बहुत बड़े वो फैन है, मैं वो आपके बहुत बड़े फैन नहीं मतलब। सत्य सनातन धर्म के रक्षक और भगवान श्री राम हनुमान जी के अनन्य भक्त और सेवक महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज जबलपुर में, उनका दूसरा दिन है। आपको मैं अगर पहले दिन की बात बताऊं तो यहां पर जबलपुर में लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो है जो उनकी कथा को सुनने के लिए यहां पर आए और साथ ही हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी यहां पर आए हुए हैं। लेकिन अगर आज हम दूसरे दिन की बात करें तो यहां पर पहले दिन से ज़्यादा भीड़ समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जबलपुर की रहने वाली सारी पब्लिक जो है सारी जनसंख्या जो है यहीं पर आ गई है। इस वक्त अगर मैं आपको अनुमानन तौर पर बताऊं तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 लाख जो है यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं जो यहाँ पर अभी मौजूद होंगे। और इसके अलावा केवल जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के बाहर से भी कई लोग आए हैं, कई सैकड़ों लोग आए हैं, बल्कि मैं तो आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाहर से भी लोग जो है बहुत सारे आए हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे सूत्रों के मुताबिक जो है बताई खबरें आ रही हैं कि कल जब यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा तो उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं और महाराष्ट्र से भी कई मंत्री हैं जो वो यहाँ पर आकर के माथा टेकेंगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथा सुनेंगे। यहाँ पर जबलपुर में जो है 25 मार्च से लेकर 31 अप्रैल के बीच में यहाँ पर कथा का कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ में ही यहाँ पर 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा जिसमें यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, केवल जबलपुर वासी लोगों की ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर बाहर से भी लोग आएंगे उन सभी की यहाँ पर बातें सुनी जाएंगी, उन सभी की यहाँ पर अर्जियाँ भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी यहाँ पर जो गतिविधियाँ होंगी जिसको हम आपको वीडियो के माध्यम से हम आगे दिखाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो कई थानों की जो पुलिस भी है यहाँ पर पनागर में, मैं आपको बताऊँगी पनागर में ये जो सभा यहाँ पर की जा रही है। अभी आप पीछे जो मेरे पीछे यहाँ पर ये पंडाल देख पा रहे हैं ये लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है और 25 एकड़ में यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालु आए हैं, जो दर्शनार्थी आए हैं वो यहाँ पर महाराज की कथा सुन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देखेंगे कि भंडारे की व्यवस्था भी की गई है जिसकी लगभग अनुमानन तौर पर 16 एकड़ की भूमि पर जो है भंडारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 30 एकड़ की जो भूमि है वो वाहनों की पार्किंग के लिए जो है सुनिश्चित की गई है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े जो है कथावाचक हैं और साथ ही सनातन का हमेशा प्रचार करते आए हैं, कई बार इन सभी चीज़ों के विषय में जो है वो चर्चाओं में भी रहते हैं, विवादों में भी उलझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पूरे देशवासी हैं, जो पूरे यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं वो केवल उनकी कथा को सुनने आए हैं, उनके जो चेहरे का तेज है उसको यहाँ पर देखने के लिए आए। अभी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ श्रद्धालुगण हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? संजीत कुमार पटेल। आप यहाँ पर कुछ व्यवस्था देख रहे हैं क्या? जी। क्या व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर भी तो भोजन पर देख रहा था। यहाँ पर अभी तक जो पहले दिन की देखा गया है तो यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर अनुमानन भोजन कर लिया होगा? आप अनुमान तो मान के चलो वहाँ से 15-20 हज़ार उससे पहले से फर्स्ट से चला। और आज के दिन लगभग? अरे आज तो अब कोई अंदाजा ही नहीं कर पा, कोई संख्या का कोई अनुमान ही नहीं है जितने लोग यहाँ पर। क्या पहले आज पहला दिन है आपका यहाँ? पहला दिन है मेरा। अच्छा तो आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि इतनी भव्य लगा? बहुत अच्छा लगा। की जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जबलपुर के अलावा भी लोग जो है बाहर से भी आए हुए। आपने बताया आप मंडला से आए हुए? देखिए यहाँ पर काफी दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये केवल एक कथा के तौर पर नहीं बल्कि यहाँ पर लोगों को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ पर ये हमारे साथ में है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ से लोग खरीदी कर रहे हैं तो इस पर कितनी बिक्री एक दिन में आपकी हो गई? एक दिन में अगर बिकेगा तो 1500-1000 बिक जाए। एक और जन है जो कि यहाँ पर जुड़ चुके हैं और ये आप देख पाएंगे कि भाई साहब आप वीडियो में एक बार दिखाएं इसको कि आप ये बागेश्वर धाम के लिए तस्वीर लेकर के। आपका क्या नाम है? कृष्णा चौधरी। आप यहीं के रहने वाले हैं? स्टार सिटी चमन नगर। अच्छा तो आप ये भगवान के लिए इनके लिए क्यों लेकर के आए? इनको क्या है कि इनकी जो सिद्धि है ना बहुत अपरंपार है और मन भी लगता है बहुत अच्छा। एक एक चीज़ से लेकर हर चीज़ बताते हैं वो अपन को, ज्ञान की बात बताते, ज्ञान की बाणी बोलना, किससे कैसा संस्कार है अपने, वो सब दर्शाते हैं।
लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुकून। आपको इनकी कथा सुननी अच्छी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। हम आप तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर और भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हनुमान जी की जो है मूर्तियाँ हैं और किस प्रकार से जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो हैं उनको यहाँ पर सजा दिया गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में ये भी लोग यहाँ पर इनको खरीद रहे हैं क्योंकि एक तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ पर भगवान का दर्जा जो है जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो दे चुके हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे, मेरे कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ दिखाएं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग भी यहाँ पर खरीद रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अपना लेखराज नाम है। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर तो आज लगा रहे हैं या फिर कल भी आपने यहाँ पर दुकान लगाई थी? कल भी लगाई थी, आज भी लगाई। आपने भी यहाँ पर दुकान लगाई, आज आपका पहला दिन है? यस हमारा पहला दिन है। क्या नाम है आपका? बिमल गुप्ता। आप कहाँ से आए? हम रीवा से हैं। रीवा से यहाँ दुकान लगाने क्यों आए? यस यस, क्योंकि ये हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं ये मैं इनको बहुत चाहता हूँ, इसीलिए सोचा कि वहाँ जाऊँगा तो धंधा भी करूँगा और इसी बहाने उनका दर्शन होगा और अपना हो गया जुगाड़ भी थोड़ा। तो आप मतलब इनसे मिलने की इच्छा लेकर के आए हैं? यस। और हमारे साथ में एक और जन है जिन्हों युवा भी हैं जिनके पास भी एक इसी प्रकार से जो है फोटो है जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। भाई साहब आप कहाँ से? मैं जबलपुर से हूँ, जबलपुर यहीं लोकल स्टार सिटी नक्षत्रनगर से आया था। अच्छा। मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि कथा बहुत अच्छी लगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। मेरे बहुत बड़े वो गुरु हैं और मैं उनको बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ और मैं शुरू से उनसे जुड़ा हूँ। मेरे बहुत बड़े वो फैन है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, वो आपके बहुत बड़े फैन? नहीं, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। वो मेरे गुरुजी हैं, उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कई सारे लोगों से बात करी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कतार से आपको जो है कई राम भक्त, हनुमान भक्त और जो कथा सुनने के लिए लोग आए वहाँ यहाँ से आपको एक लाइन दिखाई देगी। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वह वहाँ से दिखाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है भीड़ लगी हुई है, लोग नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी कथा सुन रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। भाई साहब आपका नाम क्या है? आकाश काछी। और आपका नाम क्या है? अंकित काछी। आप लोग कहाँ से आए? पठरो भैया जी। पठरो मरिया कुशनेर। आप भी कहनी के साथ में? हाँ हाँ साथ में। तो आप पास में आकर के बात करेंगे हमसे? और अच्छा आप लोग अभी क्या करते हैं, काम करते हैं? जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो जॉब करते हैं आज आप, मतलब छुट्टी लेकर के? आज तो खैर संडे है, ये छुट्टी लेकर तो कथा सुनने के लिए आए। अच्छा, कथा सुनने के लिए स्पेशल आए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा युवा वर्ग जो है वो सत्य सनातन की ओर जो है जा रहा है, लोगों के साथ में जुड़ता चला जा रहा है। अभी हमारे साथ में और भी यहाँ पर जो वरिष्ठ जन है हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या? राजकिशोर पांडे। आप क्या यहाँ पे कुछ संभाल रहे, कुछ कारोबार देख रहे हैं जी? आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए या फिर आप? दर्शन, दर्शन करने के लिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? आर के द्विवेदी। और आपका नाम भाई साहब? लोकेश कदम उपाध्याय। हम जबलपुर से हैं। जबलपुर? आप तीनों जबलपुर से? जी जी जी। तो आप लोगों को यहाँ पर आकर कैसा लगा, कैसी अनुभूति? बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा आनंद है। तो यहाँ पर क्योंकि ये देखा जाता था कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो महाराष्ट्र में या फिर कहीं और जो अपनी सभा करते, लेकिन पहली बार है कि जबलपुर में यहाँ पर आए? यहाँ पहली बार है। तो कई लोग बोलते हैं कि ये फर्जी है? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। गलत गलत ऐसा नहीं, ये मत, ये गलत बात है। यहाँ यहाँ तो भगवान भी आए पर उनको उनको भी केवल दोष लगाया गया है। आपने देखा कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो उनके चमत्कार को फर्जी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वर्ग भी है जो उनके चमत्कार को एक सिद्धि के रूप में लेता है और अपनी समस्याओं को जो है वो समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर आया होगा। पा रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खोते चले जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पुलिस जो है माइक के माध्यम से सूचनाएं जो है इधर से उधर कर रही है, जो बच्चे खो गए हैं उनको, जो कहाँ है कहाँ नहीं है उन सभी के बारे में वो यहाँ पर सूचना दे रही है। यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल है वो यहाँ पर आपको पुलिस कांस्टेबल सूचनाएं दे रही है कि बच्चे कहाँ पर है कहाँ नहीं है। देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर काफी लाखों की संख्या में जो भीड़ यहाँ पर जबलपुर में इकट्ठा हुई है 25 एकड़ की जमीन पर, इसको समेटने के लिए और जो यहाँ पर वो तो सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए, लेकिन जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ कई तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे कि जो ये ओपीडी आप देख रहे हैं या फिर जो इमरजेंसी केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं जो निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, यहाँ पर अगर यदि इस भीड़ में किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो जाती है या किसी चक्कर आ जाते हैं किसी प्रकार से कुछ भी हो जाता है तो उसका उपचार आप यहाँ पर करवा सकते हैं। आपका बीपी लो होता है तो भी आप यहाँ पर अगर निःशुल्क चेकअप करा सकते हैं। आप यहाँ पर आकर के अगर देखेंगे तो यहाँ पर वही उपचार जो है डॉक्टरों के द्वारा और यहाँ पर जो स्टाफ के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मनोज साहू। आप यहाँ पर क्यों आए? घुटनों की दवाई की, घुटना दर्द करते हैं। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर कथा सुनने आए थे लेकिन फिर आपने से देखा कि यहाँ पर सिविल लगा हुआ तो आप यहाँ से दवाई ले? हाँ, घुटना चेक कराना।
नागपुर के वासी भी हैं जो और भी जो लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पर, वो यहाँ पर अपना निःशुल्क चेकअप करा रहे हैं। और हम इधर से अगर आगे की ओर आएंगे और यहाँ पर आपसे डॉक्टरों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है लोगों को समस्या हो रही है या फिर क्या हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जो परीक्षण का यहाँ केंद्र है यहाँ पर बनाया गया है पनागर में, यहाँ जो 25 एकड़ की जमीन पर, उनके हमारे साथ में यहाँ पर स्टाफ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। आपका नाम क्या? नीलम विश्वकर्मा। आप लोग यहाँ पर क्या संभाल रहे हैं? अभी हम लोग ओपीडी में है, यहाँ हम लोग बीपी चेक कर रहे हैं, जो भी निःशुल्क सेवाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम जा रही है उन्हें वो सब देख रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है? इस तरह यहाँ पे हाइपरटेंशन की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ा हुआ है। जाँच करके हम लोग सामने, हम लोगों का ही कैंप लगा हुआ है शिविर बड़े एरिया मेट्रो प्राइम का, वहाँ पे हम लोग। यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर अभी तक कितने मरीज जो हैं यहाँ पर चेकअप कराने के लिए, कितने लोग? लगभग कल से आज तक तो हो गए होंगे 250 लगभग। 250 मतलब आज की अगर हम बात करें तो आज वही 57858। अच्छा, मतलब 250 की संख्या, बड़ी संख्या हमें यहाँ पर लोग चेकअप कराने जी। हाँ, बहुत संख्या। और आप तीनों के अलावा भी यहाँ पर कोई? हाँ, 7 शिविर लगे हैं हम लोगों के यहाँ, अलग अलग हैं, और एक मेन हॉस्पिटल है। डेली पे 100% एक शिविर में बस आ रहे हैं, तो सब अलग अलग 7 शिविर हैं जहाँ पे अलग अलग लोग आ रहे हैं। और उन 7 शिविरों में जो है उनकी देख रेख कौन कर रहा है? क्या बड़े एरिया मेट्रो प्राइम में वही देख रहा है? हाँ जी, वही सब देख। तो यहाँ पर उनके कोई संचालक भी है क्या यहाँ पर साथ में? जी हाँ, हम लोग के बहुत से संचालक हैं यहाँ पर। आपका मतलब कितना स्टाफ मौजूद है आप यहाँ? टोटल अभी 65 स्टाफ है यहाँ पर। आपका जो एक शिविर लगा यहाँ पे 3 लोग हैं। हाँ, और आप 3 लोग के अलावा जो आपने बताया 7 शिविर लगे जी, उसमें भी लगभग 65 लोग हैं। यस। अच्छा, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लोगों को सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, और यदि किसी प्रकार से समस्या होती है तो वो यहाँ पर निःशुल्क केंद्र में यहाँ पर आकर के अपनी जांच भी करा सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत कराएंगे यहाँ पर जो हमारे साथ में है। तब तक जुड़े रहें दलुक न्यूज़ चैनल से। धीर हो, गंभीर हो, लालची ना हो, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने से ही भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। आगे नाम की महिमा भागवत में बताई गई, और इसके बाद में मतलब इस समय में भगवान की कथा के दिव्य रूप का दर्शन कराया गया। व्यास नारद जी के संवाद को भागवत में कहा गया है। एक बार व्यास जी महाराज बड़े चिंता कर खड़े हुए थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे। देवर्षि नारद जी महाराज की, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए। महाराज आप बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है? मुंह क्यों लटकाए हो? महाराज कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बताओ बताओ क्या कारण है। महाराज जी हमारे मन में बड़ी अशांति है, चित्त बार बार कह रहा है कुछ रह गया और ये समझ में नहीं आता क्या रह गया। देखो एक बात और यहां पर बढ़िया बता दें, मन